प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज का जो शुभ दिन वह है 28 सितंबर। साल का एक माह और जाता हुआ, हो सकता है आपने कुछ हासिल किया हो इस माह में, और या ये भी हो सकता है कि आपने कुछ हासिल किया हो। सब माह की तरह एक माह ये भी जाता हुआ। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि आपके पास आ रहा कि जा रहा, आपने हासिल किया कि खोया, क्योंकि सबकी अपनी अपनी किताब है जो ज़िंदगी की किताब है, बहुत लाजवाब है। तो दोस्तों आज का दिन जो जन्मे व्यक्ति हैं, एक तो उनकी यात्राएं काफ़ी होती हैं, विदेश यात्रा भी वो करते हैं। हो सकता है किसी चीज़ पे कई बार वो लीडिंग की पोजीशन रहती है, टीम का नेतृत्व करते हैं, और कुछ विदेश यात्रा की उनकी आकांक्षा, और साथ ही साथ परिवार के साथ आप कहीं नाइट टूर पे ट्रिप पे जा सकते हैं। ऐसी कुछ स्थितियां आपके लिए, अर्थात आने वाला जो समय है आपके लिए उपयुक्त है, बेहतर है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 1/10/1928, उनके लिए आज का दो दिन है वह जो अवसर है काफ़ी अच्छा है, अर्थात इंजॉय का है, उत्सव का है, सेलिब्रेशन का है। हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हो, गर्लफ्रेंड के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, इधर कहीं ना कहीं किसी तरीक़े से आप अपने दिन को सेलिब्रेट कर रहे हो। ऐसी स्थितियाँ आपके लिए, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2/11/1920 है, वो कह रहा है कि ए दिल कहीं और चल, अर्थात अब उसका मन नहीं लग रहा, चीज़ें जो है अनुकूल नहीं है, कोई विश्व बाधा का सामना, ऐसा लग रहा है कि कहीं चला जाए और थोड़ा सा दूर कुछ समय व्यतीत किया जाए, क्योंकि अभी जो है समय संघर्ष का है और थोड़ा सा पीड़ा हो रही, कुछ चीज़ों को करने में थोड़ा सा परेशानी, चीज़ें सेटलमेंट में थोड़ी सी दिक्कत, और यही तो काल का चक्र है। काल चक्र में फंसता हुआ अंक 2 निकलने के लिए उसे गुरु से परामर्श करें। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 3/12/1930, कहा भी जाता है कि मैदान पे सारी चीज़ें बिठा के, अर्थात कई बार जब युद्ध की स्थितियाँ बनती है तो कई बार जो सामने वाला कप्तान रहता है पूरे बम बिछा के वेट करता है कि अब सेना कब आएगी विरोधी दल की, तो ऐसी किसी स्थितियों पे जाते हुए अंक 3, अर्थात अब इंतजार करता हुआ उसने अपने जो होमवर्क है, जितने अपने वर्क्स हैं वो कम्प्लीट कर लिए हैं, वो आगे बढ़ना चाहता है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 4/13/1931, उनके लिए दिन शुभ, थोड़ा सा इन्जॉय के मोमेंटम हो सकते हैं आज के दिन आपके पास, हो सकते हैं आपके फ्रेंड्स आपको मिलें, कुछ अच्छी चीज़ें लग्जरी मिल सकती है, और आपके तनाव कुछ कम हो सकते हैं, कुछ अच्छी स्थितियां आपके लिए बहरहाल जाती हुई। और अंक 5 के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है, यदि आप 5, 14 या 23 तारीख वाले हैं तो आप थोड़ा सा, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा अलर्ट हो जाएं, बट लेकिन आने वाला समय महत्वपूर्ण, कुछ कोई बड़ी शक्ति, कोई नई चीज़ें, नए आविष्कार, नई देवी कृपा, या कुछ अलौकिक शक्ति के माध्यम से आपके कुछ काम हो सकते हैं, या आने वाले समय में आपको कुछ अलौकिक शक्तियां मिल सकती हैं, क्योंकि आगामी नवरात्रि का पर्व भी है। यदि आप साधना करते हैं तो कुछ ऐसी स्थितियां आपके लिए बन रही। भौतिक जगत के लिए तो यह शून्य है, लेकिन आध्यात्मिक जगत के लिए यह जो उपलब्धियाँ होंगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी हो सकती है, और कहा भी जाता है कि जो चीज़ें दिखाई देती है वो विज्ञान है, और जो नहीं दिखाई देता वो अध्यात्म है। कई बार ऐसे ही विज्ञान और अध्यात्म के बीच फाइट करता हूँ। 5 अर्थात कुछ नए रहस्य खोजता हुआ, उस आध्यात्मिक रहस्य से इस वर्तमान जीवन में क्या अंतर लाया जा सकता है, इस विषय पर प्रकाश डालेगा। 5 जिसकी डेट ऑफ बर्थ 6/15/1924 है, आपके पितृगण आपको कुछ संदेश दे रहे, देव दुदुम्बी बज रही, अर्थात नव में देव दुदुम्बी बज रही, और कई जो लोग हैं वो काफ़ी नीचे से उठ रहे, अर्थात कहने का मतलब है कि आपके पास अपने पितरों से कोई मैसेज आ रहे, अपने पूर्वजों के कोई मैसेज है, कोई चीज़ें आपको कहना चाह रहे, उसे सुनिए, समझिए और अपने कार्यों पे चलें, और कुछ यदि आपने गलतियाँ की हैं तो उसका प्रायश्चित कर लें, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा आपको भविष्य में कठिनाई होगी, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन जब होती हैं तो काफ़ी पीड़ा आपको महसूस होती है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7/16/1925 है, टुडे इज़ नॉट ए गुड डे, अच्छा दिन नहीं है आपके लिए, थोड़ा सा वाहन देख कर चलाएं, सेहत को संभाल कर चलें, किसी की इलनेस की कोई न्यूज़ सूचना आ सकती है, स्वयं का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, वाहन देख कर चलाएं, गाड़ी स्किड हो सकती है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी चोट लग सकती है। यदि आप चाहते हैं कि चोट आपको ना लगे तो देखिए आप कर सकते हैं, छोटा सा सरसों तेल का दीपक शनिदेव के नाम का अर्पण करें, और थोड़ी सी मूली किसी मंदिर वगैरह में, शिव मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, जहाँ आपको उचित लगे वहाँ दान करें, थोड़ा सा कुछ आपके जीवन में प्रकाश आ सकता है, या परेशानी थोड़ी कम हो सकती है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 8/17/1926 है, दिन है छोटा, काम है ज़्यादा, एक साथ सबका विकास आप कर रहे हैं तो संभव नहीं है, जो काम मोदी जी करते हैं मोदी जी करेंगे, कहने का मतलब है कि कंधों पे लोड बहुत ज़्यादा है और आपका पास काम करने वाले लोगों की कमी है,
तो अपने लोगों से सहयोग लें या फिर कुछ धनराशि खर्च करके एक आध कोई अपना असिस्टेंट रखिए, जिससे आपके ऊपर जो वर्कलोड है वो कम हो और आप अच्छे से सुचारू रूप से काम कर सकें। जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 9/18/27 है, उनके लिए जो समय है आज का दिन शुभ है। थोड़ा यात्रा के संकेत, कहीं जाने के संकेत, कुल मिला के अच्छी स्थितियों की ओर जाता हुआ अंक 9 और कुछ प्रेम संबंधों में भी आशा चित सफलता लाभ की आशा। तो दोस्तों ये हुई चर्चा अंक 1 से लेकर 9 तक की और आज के दिन की। आपको भविष्य से जुड़े अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 7415114000 पर। डोंट वरी, काल पंकज महेश्वरी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप केवल अपने एक उंगली बटन दबाकर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।